ये प्यार है। जिंदगी गुलजार है मैं आज बात कानपुर के कृतिका सेंगर की, जिनके जिंदगी का कभी एक ही मकसद रहा था और वो था शादी करना। मैं सिर्फ शादी करना चाहती थी। मैं सिर्फ शादी करना चाहती थी। मैंने तो 12th के बाद ही बोला था मुझे शादी करना था। मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा पढ़ाई बहुत जरूरी है, ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, तो वो 3 साल ताकि बस 3 साल कैसे निकल जाए और बस मेरी शादी हो जाए। 12वीं क्लास से ही शादी के बारे में सोचने वाली कृतिका पढ़ाई लिखाई में भी ज्यादा तेज नहीं थी। मैं कभी भी बहुत मेहनती नहीं रही हूँ, लाइक आई हैव नेवर बीन वेरी यू नो हार्ड वर्किंग। कॉलेज भी मतलब जाना है तो जा रही हूँ, स्कूल में पढ़ना है तो पढ़ रही हूँ। मेरा हमेशा दिमाग या मेरा जो चाहत थी वो हमेशा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ ज़्यादा रही है। क्या तुम स्पोर्ट्स हो गए या डांस हो गया या स्टेज कोई शो हो गया, पढ़ाई मैं इतनी करती थी कि बस पास हो जाऊँ। लेकिन आज सीरियल कसम के साथ कृतिका की जिंदगी गुलजार है। नशे से चढ़ गए कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गए कुड़ी, पतंग से लड़ गए। जो एक बार फिर फैंस की डिमांड पर सीरियल में वापस लौट आई हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप प्रोफेशनली बहुत खुश रहें, आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप पर्सनली बहुत खुश रहें, तो ही आप प्रोफेशनली खुश रह सकते हैं। मैं प्रेजेंट सिनेरियो में विश्वास रखती हूँ, तो जब मेरा पास्ट भी मेरा कभी प्रेजेंट हुआ करता था तो तब भी मेरी जिंदगी गुलजार थी और आज भी बेशक मेरी जिंदगी गुलजार ही है। आज कृतिका टीवी स्टार हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें टीवी देखना तक गवारा नहीं था। I have never been very fond of watching TV or movies. तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मूवीज के बारे में या बहुत पुरानी मूवीज के बारे में या डायरेक्टर्स के बारे में एक्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, मुझे नॉलेज ही नहीं होती उस बारे में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही वैसा नहीं रहा। छोटे शहर से आई हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो एक या दो टीवी होते थे, उसमें भी सब बड़े लोग देख रहे होते थे, हम लोग तो सिर्फ खेलते थे या पढ़ाई करते थे, खाते थे या सोते थे। कृतिका ने कभी एक्टर बनने के बारे में सोचा नहीं, ये महज एक इत्तफाक था। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। कानपुर छोड़ने के बाद कृतिका एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली आई और उसके बाद मुंबई का रुख किया, और यही उन्हें मिला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेम। आई वॉजंट रेडी टू अचीव समथिंग सो बिग, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि दिल शादी कर रहा था भी धीरे धीरे पीछे ऑलरेडी चला, कॉलेज के टाइम पे ही जा रहा था, क्योंकि क्या था ना, जब मैं कानपुर में थी तब मुझे पता नहीं था कि मास कॉम जैसी भी चीज होती है, या मुझे सिर्फ इतना पता था बी ए बी कॉम एम कॉम यू नो यूजुअल स्टाफ, बट वेन यू वही एक्सपोजर बहुत जरूरी है इंसान के लिए, इसलिए पर जब I came and I saw कि you know मेरे अंदर capabilities हैं and I am capable of doing something, then why not? शादी तो हर कोई करता है। कि वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, उनका नाम सुकृति है, और अकेली सुकृति नहीं है, डोयल भी है जो मेरी सीनियर थी, अदिति भी है जो मेरी सीनियर थी। सुकृति की बात कर रहे हैं जिन्होंने मेरा लुक टेस्ट लिया था, वो ना हमेशा से शी इज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ मी, शी वुड ऑलवेज टेल मी कि यू नो यू शुड बिकम एन एक्टर, यू आर अ गुड डांसर, तुम यू नो तुम, मैंने एक छोटी सी फिल्म की थी उनके लिए कॉलेज में जो शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, मैं गई, मैं कुछ नहीं बोल पाई लिप टेस्ट में, मुझे डायलॉग्स बोलने थे, मैं हंसती जा रही थी, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा था, मैं गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था, फिर कुछ नहीं हुआ। आई डोंट नो वही चीज़ कैसे लोगों को पसंद आ गई और मेरा सिलेक्शन हो गया। एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं होने के बावजूद कृतिका ने काम के दौरान बहुत कुछ सीखा, और ये सीख उन्हें झांसी की रानी सीरियल के दौरान बहुत काम आई। पहले तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जो हमारी क्रिएटिव थी उस समय बालाजी में रजिया, उन्होंने मुझे बोला बेटा बहुत खुश तो हो रही हो, पर तुम्हें 30-40 घंटे नॉन स्टॉप शूट करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ कर लूंगी, क्या प्रॉब्लम है, पर एक बार जहाँ दो दिन मतलब ओवर 24 आवर्स हो गए और मेरी हालत खराब हो गई, मैंने कहा यार ये तो पागलपंती है, ऐसे कैसे कोई रह सकता है, मतलब आप 37 आवर्स हो गए, आप जगे हुए हैं, आप सोए नहीं हैं, आपने नहाया नहीं है, आपने कुछ खाया नहीं है। मैं बट आई थिंक वही बहुत लर्निंग पीरियड था मेरे लिए, और सबसे बड़ी बात थी कि मैं श्वेता तिवारी के साथ काम कर रही थी एंड बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। इनफैक्ट